हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आपके भी फाइल मैनेजर में रिसाइकल बिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, रिसाइकल बिन का ऑप्शन कैसे लाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यदि आप कोई फोटो वीडियो डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में सेव होता है, जो कि 30 डेज़ के लिए सेव रहता है डिलीट करने के बाद भी, और 30 डेज़ के बाद डिलीट होता है। यदि आपके फाइल मैनेजर में रिसाइकल बिन का ऑप्शन नहीं होगा तो आप डिलीट करेंगे कोई भी चीज़ तो वो हमेशा के लिए तुरंत ही डिलीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही दिखाने वाले हैं कि एक्चुअल में कोई भी चीज़ यदि आप डिलीट करते तो रिसाइकल बिन में कहाँ पर सेव होती है, रिसाइकल बिन कहाँ पर होता है, यदि नहीं आ रहा तो कैसे लाएंगे। ओके, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दिखाते हैं कि रिसाइकल बिन का ऑप्शन अपने फ़ोन में लाना कैसे है। यहाँ पर देख सकते हैं फाइल मैनेजर है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि रिसाइकल बिन यदि आपके फ़ोन में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है और कैसे लाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन पर जाएंगे, देख सकते हैं रिसाइकल बिन का ऑप्शन ये बंद है, ओके ऑफ है, इसे आप ऑन कर देंगे। इस तरह से ऑन करेंगे तब चलिए हम आपको दिखाते हैं, कोई भी इमेज में फ़ोटो डिलीट करता हूं तो ये चली जाती है रिसाइकल बिन में। देख सकते हैं यहाँ से मैं कोई भी चीज़ डिलीट कर देता हूं, अगर इमेज फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये रिमूव टू बिन में जाती है, ठीक है ना, रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं कोई भी डिलीटेड फ़ोटो वीडियो कुछ भी चीज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर आप इमेजेस में ही आ जाएंगे, और अपने यहाँ से डिलीट किया तो वहीं पर जहाँ से डिलीट किया वहीं पर आ जाना है, और यहाँ पर 3 लाइन पर ऊपर क्लिक करेंगे, रिसाइकल बिन के ऑप्शन में जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है। ओके, यदि रिसाइकल बिन का ऑप्शन आपके इस पर नहीं आ रहा था या नहीं आ रहा होगा तो दोस्तों, यदि आप कोई भी चीज़ डिलीट करोगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। आप इन्हें चाहें तो परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर डिलीट ऑल कर देंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे, अदरवाइज़ रिस्टोर ऑल कर देंगे तो ये फिर से वहीं पर चली जाएंगी जहाँ पर थी। देख सकते हैं यहाँ से मैं एक फ़ोटो को इस तरह से रिस्टोर करके दिखा देता हूँ इस तरह से, और एक फ़ोटो को हमेशा के लिए यहाँ से डिलीट करके दिखा देता हूँ, ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, अब आपको दोबारा ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और जिसको आपने रिस्टोर किया है तो वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से दोस्त आप रिस्टोर भी कर सकते हैं, जो आपने डिलीट किया रिसेंटली में तो उसको आप 30 दिन के अंदर रिस्टोर भी कर सकते हो, या फिर आप जाकर रिसाइकल बिन में परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज़ रिसाइकल बिन से 30 दिन बाद ऑटोमेटिक चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा साफ साफ रिसाइकल बिन में, यदि आप कोई भी चीज़ एनी फाइल्स अथवा फोल्डर्स यू विल डिलीट विल स्टे इन द रिसाइकल बिन 30 डेज़ बिफोर दे आर डिलीटेड फॉर एवर, यानी कि डिलीट करने के बाद 30 दिन तक यहाँ पे रुकता है, उसके बाद ये परमानेंटली अपने आप डिलीट हो जाता है ना। तो आई होप आप रिसाइकल बिन का ऑप्शन ला पाएंगे और देख पाएंगे डिलीटेड फोटो, दी फाइल मैनेजर से कोई फोटो डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में कहाँ पर सेव होता है, कहाँ पर रिसाइकल बिन होता है और कैसे लाना, सब कुछ आप सीख गए होंगे। वीडियो से हेल्प मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।